अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। सो जनाब, आज बनाने जा रहे हैं हम अपने फेस के लिए ऐसा फेस मास्क जो जनाब आपकी स्किन को ग्लो देगा, वाइटनिंग देगा, टाइटनिंग देगा, ग्लास स्किन जनाब आपको हासिल होगी। इसके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये होम रेमेडी है और बहुत मुख्तसर सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इस चीज़ के लिए चावलों का आटा, एक चम्मच हमने लिया चावलों का आटा। उसके साथ रॉ मिल्क, बकरी का, गाय का, भैंस का, किसी का भी दूध, आप कच्चा दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप उबला हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ जाएगा खालिश शहद है जनाब मेरे पास, और उसके साथ है विटामिन ई के कैप्सूल। सो लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से हमने इसको तैयार करना है और किस तरीके से हमने इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करना है ताकि हमें इसे 100% रिजल्ट हासिल हो आपकी स्किन के दाग धब्बे दूर करने के लिए, आपकी स्किन को टाइट करने के लिए। स्पेशली एजिंग वाली जो स्किन है, जो लूज स्किन है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ये होम रेमेडी है। चावलों का आटा जनाब आपकी स्किन को बहुत ज़बरदस्त वाइटनिंग लुक देता है, टाइटनिंग कर। सो लेट्स मूव, सबसे पहले हमने जनाब चावलों के आटे में ऐड करना है एक अदद हाफ स्पून जो है, ये वाला स्पून हमने हाफ लेना है शहद का। शहद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ से शहद हमने हाफ स्पून लिया और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया और इसके बाद हमने ये कच्चा दूध लेना है पेस्ट बनाने के लिए। आई थिंक 2 चम्मच इसके अंदर ये जाएगा और ये पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। इसके साथ 2 चम्मच हमने इसके अंदर कच्चा दूध डाला और इस तरह का हमारे पास ये तैयार हो गया। अभी इसे कुछ देर हमने रखना है 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद हमने इसको यूज़ करना है क्योंकि चावलों का जो आटा है, पाउडर है, उसने दूध के अंदर फूल जाना है। इसलिए हमने इसको गाढ़ा सा पेस्ट नहीं बनाना, नहीं तो ये और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। इस तरह का हम बनाएंगे, इसके बाद हमने 2 मिनट रेस्ट के लिए जब रखेंगे फिर ये आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें पहली की नस्बत गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये विटामिन ई का कैप्सूल, एक अदर जाएगा इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल। इसको अच्छे तरीके से हमने कर लेना है मिक्स। उसके बाद 2 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट देना है। 2 मिनट के बाद जनाब हमने अपने फेस को अच्छे तरीके से, अपनी नेक को भी, फेस को भी अच्छे तरीके से किसी माइल्ड सोप के साथ वॉश कर लेना है। फेस वॉश भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बेसन से मुंह हाथ धोना चाहें बेसन के साथ धो सकते हैं। उसके बाद जनाब आपने इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने किस तरीके से, आपने फिंगर टिप्स के साथ आपने ऊपर की तरफ अपने फेस की तरफ, अगर नेक पर लगाएंगे नेक पर भी आप ऊपर की तरफ लगाएँ और फेस पर भी आप इसे ऊपर की तरफ लगाएँ। इसे लगा के आपने आराम से लेट जाना है। जिस तरीके से हम पील ऑफ मास्क यूज़ करते हैं, सेम इसी तरीके से जो घर में बनाए हुए मास्क होते हैं वो भी आप यूज़ किया करें। आराम से रेस्ट दिया करें अपने आप को और बिल्कुल बातचीत ना करें किसी के भी साथ। रिलैक्स करें, आइज क्लोज करके रिलैक्स करें और उसके 15 से 20 मिनट के बाद जनाब आपने इसको वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने साबुन यूज़ नहीं करनी है, आपने ऐसे सादे पानी के साथ इसको वॉश करना है। अगर सर्दियाँ हैं तो आप नीम गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं, गर्मियाँ हैं तो आप ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं। दोनों मौसमों में ये फेस मास्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको 100% रिजल्ट देता है। हफ्ते में एक दफ़ा जनाब आप इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। इसके एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता ग्लो करना शुरू हो गई है। आपकी स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स हैं, पैचेस हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए जनाब आपको इसका रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ना है। रेगुलर इस्तेमाल किस तरह से करना है कि कम अज़ कम आप हफ्ते में इसे एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा एजिंग के प्रोसेस से या ख़राब हो चुकी है वो 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई का जो कैप्सूल हमने इसके अंदर ऐड किया है, अगर वो आपके पास नहीं है तो विटामिन ई ऑयल के आप फ्यू ड्रॉप्स डाल सकते हैं। शहद आपकी स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है। विटामिन ई ऑयल जनाब ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, आपकी स्किन को ग्लो देता है, शाइन देता है। और चावलों का आटा वाइटनिंग के लिए, टाइटनिंग के लिए बेहद इफेक्टिव है। और कच्चा दूध तो जनाब इसके फ़ायदे आप पूछिए ही मत। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं उनकी की खाली आप कच्चे दूध के ऊपर से जो झाग सी होती है वो लगा लेते हैं, या कुछ दिन तक सिर्फ आप कच्चे दूध की क्लिनजिंग करते हैं अपने फेस के ऊपर, तो आपका फेस बहुत जल्दी वाइट भी होता है और ब्राइट भी होता है। सो जनाब इस होम रेमेडी के अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं तमाम आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। जेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन के जो कम उम्र बच्ची हैं जिनके चेहरे पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं या अपनी स्किन को ग्लो करना चाहती हैं, वो जो चाहती हैं उनकी स्किन वाइट हो, फेयर हो, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडी है। सो जनाब आपने ये देखें, आप पहले के जैसे ये अभी 1 मिनट गुजरा है तो ये इस तरह का हो गया है।
अब एक मिनट मज़ीद गुजरेगा, ये थोड़ा सा और इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा और थोड़ा सा गाढ़ा सा ठीक सा पेस्ट बन जाएगा। फिर आपने इसे अपनी स्किन के ऊपर, अपनी गर्दन के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। सो जनाब, इफ़ यू लाइक दिस होम रेमेडी सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।